हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल इज वेल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पिंक सॉस पास्ता की रेसिपी। ये देखने में जितनी डिलीशियस लग रही है उतनी ही बनाने में इजी भी है, और ख़ासकर ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। कारण, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती। बच्चों को छोड़ो, मुझे खुद को पिंक सॉस पास्ता बहुत पसंद है। तो आइए देखते हैं पिंक सॉस पास्ता बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। पिंक सॉस पास्ता बनाने के लिए मैंने पैन में ऑयल लिया है। अगर आप आपके पास ऑलिव ऑयल अवेलेबल है तो आप उसका यूज़ करें। मैं यहाँ पर सनफ्लावर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं इसमें ऑयल के गर्म होने पर इसमें अनियन डाले हैं, इसे सॉटे करेंगे। आप अनियन बड़े साइज़ के भी रख सकते हैं या इससे भी छोटे कर सकते हैं। जब हमारे अनियन अच्छी तरह से सॉटे हो जाएंगे तो इसमें हम ऐड करेंगे कैप्सिकम। कैप्सिकम को हमें बहुत ज़्यादा सॉटे नहीं करना है, हल्का सा जस्ट स्टर फ्राई करना है और हमारी कैप्सिकम रेडी हो जाएगी। जब हमारी कैप्सिकम स्टर हो जाए तो इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें चीज़ डालेंगे। चीज़ भी आपकी मर्जी है, आप चीज़ ही खाना चाहें तो ज़्यादा, अगर आप थोड़ा सा फिगर कॉन्शियस हो या वेट कॉन्शियस हो तो आप कम भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज़ क्यूब को ग्रेट करके रखा था, उसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और बस हमारी पिंक सॉस ग्रेवी रेडी है। और बस अब हम इसमें डाल देंगे हमारे बॉईल किए हुए पास्ता। ये मैक्रोनी पास्ता है, इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बॉईल आने देंगे जब तक कि हमारा पूरी पिंक सॉस की ग्रेवी जो है वो पास्ता में अच्छी तरह से ना हो जाए। और ये हमारा पिंक सॉस पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे हम हमारी सर्विंग डिश में निकाल लेंगे और इन्जॉय करेंगे। आई होप आपको हमारे पिंक सॉस पास्ता की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें रेसिपी पर, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन है, उसे हिट करना भी ना भूलें। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, ऑल इज़ वेल।